हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके बारे में कोई अपडेट हो तो प्लीज़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में अपडेट देने वाला हूँ, कैसा क्या है इसकी जो अपडेट निकल के आई है वो। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हर एक चीज़ को जानें, आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेना। जी हाँ फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, घंटी का निशान है ना। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं हर एक चीज़ को और आपको कुछ क्वेश्चन से संबंधित बातें बतानी है वो भी हम जान लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि आपको पता होगा करीबन 1 वीक होने को जा रहा है, 5 डेज के समथिंग हो गए हैं अपने ही चैनल पर यहाँ पर पैसा कमाओ क्विज स्टार्ट हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका जनरल साइंस एंड कुछ पहेलियाँ, करंट अफेयर्स, यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका जीके अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप क्विज में भाग लेंगे, आप इसकी तैयारी करेंगे तो जीके की और भी अच्छी स्टडी हो जाएगी, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। इसी के पर्पस से क्विज हम लाए हैं इस चैनल पे आप लोगों की डिमांड के अनुसार। तो दोस्तों, ऐसे आपको बता दें, यहाँ पर 50 से लेकर 50,000 तक अर्न कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन जैसा जैसा होता है मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की। फैंस, इसके रजिस्ट्रेशन आप आज करा लें और कल 12 बजे तक करा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कल ही नाइट में इसका टेस्ट है, 8 बजे, रात्रि 8 बजे इसका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 8:08 तक चलेगा। जी हाँ फैंस, ऑलरेडी बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आप क्विज में भाग लेंगे, आपका रिजल्ट आएगा तो टॉप टेन विनर यहाँ पे फाइंड किए जाएंगे। फर्स्ट विनर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 100 कैंडिडेट भाग तो ले ही रहे हैं, अभी 100 से भी ऊपर होने को जा रहे हैं। तो दोस्तों, 100 के ऊपर क्या होगा, यदि फर्स्ट विनर आप आ रहे हैं तो आपको मिलेंगे कितने, 50 रुपये, सेकेंड है तो 40, थर्ड है तो 30, फोर्थ है तो 20 और 5वें नंबर पर आ रहे हैं 19, छठवें पे आ रहे हैं 18, 7वें पे आ रहे हैं 17, 8वें पे आ रहे हैं 16, 9वें पे आ रहे हैं 15 और 10वें पे आ रहे हैं तो 14। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपको इनाम मिलेगा। यदि बाय चांस यहाँ पर 1000 कैंडिडेट हो जाते हैं तो आपको इनाम इस टाइप से मिलेगा, 10 को। यदि यहाँ पर 10,000 कैंडिडेट हो जाते हैं तो इनाम इस टाइप से मिलेगा, 5,000 से स्टार्ट होगा। और यदि 1 लाख कैंडिडेट होते हैं तो यहाँ पर 50,000 से स्टार्ट होगा आपका इनाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, आपकी जो तैयारी और थोड़ा और अच्छे पढ़ लीजिएगा, आप टेस्ट देने से पहले पढ़ के ज़रूर आइएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके 1-2 महीने के समथिंग कोई एग्जाम है तो आप इस क्विज में डेली भाग लीजिएगा, आपको क्विज की तैयारी के साथ साथ आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बड़े आराम से कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, आप जानते हैं ऑफिशियल न्यूज आपके बिहार फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वन रक्षी और वनपालों की 720 पदों पर जल्द होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, यह न्यूज़पेपर की आपको मैं प्रिंट दिखा रहा हूँ, जो कि न्यूज़पेपर की हेडिंग है, यहाँ पे निकाला गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है क्या कि वन रक्षी और वनपालों के 720, यहाँ पर कितने 720 पदों पर जल्द होगी भर्ती, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों के 720 पद ब्लैंक हैं और इन पर भर्ती जल्दी होने वाली है। आगे पढ़ते हैं क्या है, बिहार के वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जल्द वन रक्षी और वनपालों की भर्ती करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि आपका जो जलवायु परिवर्तन विभाग है जल्द ही वन रक्षी और वनपालों की भर्ती करेगा। यह भर्ती 720 पदों पर की जाएगी। आप कितने पदों पर की जाएगी, 720, जैसे कि आपको हेडिंग में पता चल गया है। और आगे पढ़ते हैं, विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, राज्य सरकार की सहमति से इसे जल्द केंद्रीय सिपाही चयन परिषद को भेजा जाएगा। इनका कहना है क्या, जो डिपार्टमेंट है इसने इसका प्रस्ताव कंप्लीट कर लिया है, अब जी राज्य सरकार को भेजेंगे,
यदि उनकी सहमति मिल रही है तो जल्दी केंद्रीय सिपाही चयन परिषद को भेजा जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों, क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पास फॉरेस्ट गार्ड व वनपालों की काफी कमी है? जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड और वनपालों की बहुत ज्यादा कमी है, जैसे कि यहाँ पे बोला है जलवायु परिवर्तन विभाग के पास लंबे समय से है। जबकि यहाँ पे टाइगर रिजर्व के बारे में बताया है, यहाँ कैमूर को आंगला व्याघ्र अभयारण्य बनाने की तैयारी में विभाग जुटा है। असल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, साथ ही राज्य सरकार ने इसे इको टूरिज्म का काम भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंपा है। ऐसे में फॉरेस्ट गार्ड की जरूरत और बढ़ गई है। काफी समय बाद विभाग को कुछ माह पूर्व 845 फॉरेस्ट गार्ड मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 845 ही मिले हैं, इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा कमी है। तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए अभी 720 पोस्ट ब्लैंक हैं, जिसका नोटिफिकेशन है जल्दी जारी करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या 1565 नए गार्ड वनपाल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो नए गार्ड हैं वो वनपाल हो जाएंगे 1565। 720 फॉरेस्ट गार्ड व वनपालों की भर्ती का और प्रस्ताव तैयार किया है। 720, इनमें से 484 क्या रहेंगे आपके गार्ड और 236 रहेंगे क्या वनपाल। इसकी भर्ती के बाद विभाग के पास टोटल कितने 1565 नए गार्ड व वनपाल हो जाएंगे। 1565 नए गार्ड व वनपाल हो जाएंगे, है ना? ये कहना है आपके क्या जलवायु परिवर्तन विभाग का। ओके फ्रेंड्स, तो यही इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोगों की जल्द से जल्द यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आने वाली है फॉरेस्ट गार्ड की। 720 पद ब्लैंक हैं। तो आप लोग यदि नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो बिल्कुल जुड़िए इस चैनल से। जल्द यहाँ पे क्लासेस भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपकी जीके जीएससी, जिससे कि आप आने वाले समय में जो पेपर है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका पुलिस का भी आने ही वाला है, सुन रहे हैं डेट वगैरह, यहाँ पर दिसंबर तक आ जाएगा इसका बिहार पुलिस न्यू भर्ती, है ना? और इसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड, इन दोनों के लिए हम जीके जीएस स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, शेयर और अधिक से अधिक लाइक करें वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ खास है नहीं, जो जो था मैंने बता दिया है। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में करें, हम उसका रिप्लाई अवश्य देते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।